हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे बेहतर तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने मैथ का ये क्लास है आपको पता है, और मैथ में हम लोग आज नया टॉपिक जो चल रहा है हमारा, उसी के क्रम में मतलब लाभ प्रॉफिट एंड लॉस का यानी लाभ और हानि का जो चैप्टर नया चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया है उसके क्रम में हम लोग चल रहे हैं, उसके वीडियोस देख रहे हैं। आज हम लोगों का ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग आज टाइप 4 और टाइप 5 के मैथ्स के क्वेश्चन जो आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, वो क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं या उनको करने के लिए किस विधि का मेथड का प्रयोग किया जाता है, वो आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, समय को न व्यर्थ करते हुए तुरंत स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आइए देखते हैं, क्वेश्चन है टाइप 3। इसमें जैसा कि नोट किया गया है क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है और टाइप 3 के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। निश्चित तौर से इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, टाइप 3 और टाइप 4 दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनसे ऑलमोस्ट क्वेश्चन की एग्जाम में आपको मिलते ही मिलते हैं। तो देखते हैं टाइप 3 में क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है, आपको दिया गया है यहाँ पे, एक कुर्सी को 165 रुपये में बेचने पर, तो बेचने वाला कौन सा मूल्य हो गया भाई, बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य हो जाता है, ठीक है। और कह रहा है बेचने से 10% का लाभ होता है ना, इसको अगर इतना विक्रय मूल्य कर दिया जाए, बेचने पर इतने की बिकती है तो 10% का लाभ होता है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य निकालना है। तो क्वेश्चन जब विक्रय मूल्य दिया हो और उसका लाभ दिया हो या हानि दिया हो, ठीक है, तो लाभ या हानि जब दिया हो तो उसमें फार्मूले में हम लोग करते क्या हैं, तो सीधा सा इसका फार्मूला बड़ा ही आसान फार्मूला होता है। अगर हमें निकालना, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य क्या होता है, निकालना होता है विक्रय मूल्य, और हमको यहाँ पर लाभ है तो दिया हुआ है, तो हम करते क्या हैं कि इसका फार्मूला जरा देख लीजिए, हम लोग बनाते क्या हैं, क्रय मूल्य बराबर, ठीक है, क्रय मूल्य बराबर 100 × विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ठीक है, बटे 100+ लाभ, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन लाभ में है। ये तो क्वेश्चन बेटा फार्मूला बनता है जब एग्जाम में दिया हो, मतलब क्वेश्चन में दिया हो विक्रय मूल्य दिया हो और लाभ का प्रतिशत दिया हो, ठीक है, तो फार्मूला हम क्या करते हैं, 100 में लाभ को जोड़ देते हैं, लाभ के प्रतिशत को, और 100 × विक्रय मूल्य कर देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, आंसर हमारा क्रय मूल्य निकल के आ जाता है। लेकिन अगर प्रश्न में हानि दिया हो, जैसा कि इस प्रश्न में दिया हुआ है कि यहाँ पर कह रहे एक मेज को इतने रुपये में बेचने पर, यानी ये विक्रय मूल्य हुआ, तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है, बेचने में 15% की हानि होती है तो मेज का क्रय मूल्य निकालना है। यानी अगर हानि होती है, जैसे इसमें दिया है क्वेश्चन में लाभ होता है, इस क्वेश्चन में दिया हानि होती है, तो हानि होने में सिर्फ और सिर्फ आपको करना क्या होगा, यही जो आपका 100 × विक्रय मूल्य होता है तो उसका भी क्रय मूल्य जब निकालेंगे, क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य जब निकालेंगे तो 100 × विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य बटे 100 - यहाँ पे माइनस हो जाएगा, वहां पर क्या मूल्य जुड़ रहा था, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस लाभ प्रतिशत हो जाएगा, ठीक है, लाभ का प्रतिशत, सॉरी यहाँ पे लाभ नहीं होगा, यहाँ हानि का प्रतिशत हो जाएगा, हानि का प्रतिशत, हानि प्रतिशत में जो होगा वह कर देंगे तो प्रश्न हमारे बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। आइए इन सूत्रों पर क्वेश्चंस को रखते हैं और सॉल्व करने की का प्रयास करते हैं। तो क्रय मूल्य निकालना है हम लोगों का, क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है, और यहाँ पे क्या प्रॉफिट दिया हुआ है, तो भाई हम लोग क्या करेंगे, 100, इसके बाद में हमारा विक्रय मूल्य कितना दिया है, 165, तो इंटू के साथ है, इंटू 165 हो जाएगा, और देन इसके बाद में हमारा लाभ है वो 100 और प्लस लाभ का प्रतिशत कितना है बेटा, 10% है, तो 10% उसमें 10 हो जाएगा, तो 165 × 100, यही चीज़ है, मैंने इधर का उधर लिख दिया है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, 110 आ जाएगा, ठीक। अब इसे 100 काट दीजिए आप, ठीक है, और भी चीज़ों को सरल करिए कि क्या कट जाएगा, 11 × 11 देखिए कट जा रहे हैं, यहाँ पे बचेगा 5, ये कट सकता है, देखिए 11 × 11 और देखिए 11 × 11 गया तो बचा कितना बेटा इनके पास में, 5 बचा है यहाँ पर, 16 में 11 जाएगा तो 5 बचेगा और एक शेष 5 यहाँ पर है तो 55 हो गया, तो 11 × 55, ठीक है, तो 11 × 55 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग क्या करेंगे, 11 × 55 तो यहाँ पर हमारा जो जाएगा यहाँ पर, तो 11 से एक बार यहाँ से गया ना, तो 11 × 11 होगा, 11 × 55 यानी 5 टाइम जाएगा, ठीक है, तो 55 जब हो जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर बचा क्या, 5 × 10 बराबर, इसको आप क्या करेंगे, 50 क्या हुआ, ये 50 रुपये क्या हो गए इसके, अगर आप देखेंगे तो क्रय। तो बच्चों इस प्रश्न में देखिए यहां पर एक त्रुटि हो गई हम लोगों से, 11 × 11 बार जाता और 11 × 55 यानी 15 होना चाहिए, यानी 15 हो जाएगा बच्चों, तो 15 × 150 तो 150 आंसर आ जाएगा,
और कुछ नहीं, ये हम लोगों ने जो त्रुटि की, कभी कभी जल्दीबाजी में ऐसे प्रश्नों की गलती हो जाती है जो आप नहीं करेंगे, ठीक है। आपको इन बारीकियों को ध्यान देना होगा। तो आप चाहते तो इसे काट सकते थे, आप पाँच आप इससे काट सकते थे, आप सीधे दो से भी काट सकते, जैसे आपको सरल मेथड लगे वो आप कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं कि सर ने 11 से ऐसे काट दिया तो इसको आप मां चाहते तो इससे मान लो यहाँ पर 10 दिखा था बेटा, 110 था और यहाँ पर 100 था, तो 5 से आप काट दिए होते, ठीक है। तो 5 से काट देते तो 20 आ जाता, यहाँ पर कितना आ जाता, 22 आ जाता, ठीक है। फिर आप उसको 11 से काटते दोनों कट जाते, तो इस तरह के सीक्वेंस में कुछ भी कर सकते हैं। आपका आंसर मतलब आ गया है 150 क्या हो गया इसका, इसका निकल क्या है, क्रय मूल्य हो गया, ठीक। कुर्सी का क्रय मूल्य कितना हो गया, 150 रुपये का था, 165 रुपये में बेच दिया गया उसको, तो उसको 10% का उसको 15 रुपये का फायदा हुआ और 10% का फायदा हुआ, क्लियर, ठीक है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा। दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रहा है, दूसरे क्वेश्चन में सेम यही चीज़ है, एक मेज का 255 रुपये को में बेचने से 15% की हानि हो जाती है, तो क्रय मूल्य निकालेंगे, सेम इसी फार्मूले में रख देंगे आप, तो इस फार्मूले में 100 करेंगे, इसके बाद में क्या हो जाएगा, जो आपका विक्रय मूल्य है वो देखना होगा आपको, विक्रय मूल्य कितना है, 255 रुपये है, बटे में बेटा क्या करेंगे 100, और यहाँ पर क्या हानि हो रही है तो -15 हो जाएगा प्रतिशत, 15 पर जो प्रतिशत है वो सीधे ऐसे लिख दिया जाता है। तो आप इसको यहीं पे आप अभी गुणा ना करें और नीचे वाले को आप सॉल्व करके देखें, यहाँ पे 85 आ जाएगा, 85 पर तो इसको काट दीजिए बेटा। देखिए यहाँ पे आसान होगा इसको 5 से काटने में आपको, तो 5 से काट के देखिए, तो 5 से काटेंगे तो 5 एकन्नम 5 जाएगा, 5 सत्ते 35 यानी 17 आ जाएगा, और फिर इसको काट दीजिए 5 से, 5 से जब काटेंगे इसको तो 25 हो जाएगा, और फिर आप जब देखेंगे 25 हो जाएगा तो 25 का 51 बार आपका टाइम जाएगा। अब देखिए 255 आप 5 से आप काटेंगे ना, 25 हो जाएगा और फिर आपका ये हो जाएगा 5 51 बार जाएगा, ठीक है। 51 × 5 करके देख लीजिए आप, 51 × 5 तो आप क्या करेंगे, 5 हो गया, 25 हो जाएगा, ठीक है, तो आपका वो हो जाएगा, ठीक है, 25 सॉरी यहाँ पे 25 होगा, 255 आ जाएगा, ठीक है, क्या ऑन टाइम जाएगा, ठीक है। ये हो गया, तो आपका क्या हुआ, आगे मिल गया है आपका 17 यहाँ पर हो गया आपका 100 × 51/17 आपका आया, ठीक है। तो आप इसको देखेंगे, जब इसको बेटा देखेंगे तो ये आगे इस प्रोसेस को अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो 17 × 17 = 51, तो 3 टाइम गया तो 100 × 3 हो जाएगा, तो बराबर 300 हो जाएगा बेटा, ठीक है, 300, क्लियर। तो इसका क्वेश्चन यहाँ पे आपका हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन का जो सीक्वेंस हमारा है दोस्तों, देखते हैं हम लोग टाइप 4 के क्वेश्चन जो है ये किस तरह से सॉल्व होते हैं। तो आप इसको जरा समझ लीजिए, प्रश्न क्या पूछ रहा है और हमें इसको किस तरह से सॉल्व करना है। क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को 320 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, ठीक है, और उसे कितने में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो, यानी कि कोई वस्तु किसी प्राइस पे बेची जा रही है, ठीक है, तो कोई वस्तु किसी प्राइस पे बेची जा रही है, तो जिस प्राइस पे बेची जा रही है उसमें उसको हानि हो रही है 20% की, तो पूछा जा रहा है कि कितने प्रतिशत, मतलब उसके दाम को कितना बढ़ा दिया जाए कि वह 25% महंगी हो जाए, मतलब वो 25% उसमें लाभ मिले, तो लाभ हो उसको, यानी कि बेची जाए कितने में कि 25% का लाभ हो। तो बेटा जब किसी वस्तु का प्राइस दिया हो, ठीक है, मतलब किसी रेट में बेची जा रही है उसमें उसको हानि हो रही है, तो इसको लाभ या प्रतिशत इस तरह से दिया रहे कि एक बार किसी रेट पे बेचने पे हानि हो रही है और किसी रेट पे बेचने पे कितने पे बेचा जाए कि उसको लाभ हो। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछा हो तो उसमें क्या फार्मूला वर्क करते हैं, उसमें फार्मूला वर्क यानी कि इसमें पूछ रहा है कि उसका विक्रय मूल्य, एक पे जो हानि है, हानि का विक्रय मूल्य दिया हुआ है कि 320 रुपये बेचने पे 20 रुपये की हानि होती है, तो भाई कितने में उसको बेचा जाए कि उसमें 25% का लाभ हो जाए। ये क्वेश्चन अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ हो तो उसमें यानी विक्रय मूल्य निकालना होता है, तो विक्रय मूल्य जब निकालना होता है तो उसमें क्या करते हैं आप कि जो ये मूल्य दिए होते हैं तो इनको अगर हम मान लो एक्स वाई जेड के रूप में भी मान सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक्स वाई जेड ना बता करके आपको इस क्रम में बता रहा हूँ कि जिससे कि आप आसानी से समझ जाएं। तो ये जो लाभ हो रहा है, यानी कि देखिए हानि है लाभ है, ठीक है, तो क्या करेंगे कि जितने की इस तरह से कोई यानी कि पहले क्या है कम है, पहले हानि हो रही कुछ बेचने पे उसको हानि हो रही है और पूछ रहा है कितने में बेचा जाए कि उसको प्रॉफिट हो, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है कि विक्रय मूल्य बराबर होता है 100 + लाभ,
लाभ का जो प्रतिशत है यानी ये लाभ 100 प्लस लाभ इनटू कितने में बेची गई थी पहले वाले में, तो वो इनटू वो बटे 100 माइनस कितने हानि में बेची गई थी, मतलब वो पहले जो 20% हानि हुई थी कितने प्रतिशत हानि हुई थी वो माइनस हानि कर देंगे, इस फार्मूले पे रख देंगे तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। फिर से मैं बता दूं आपको कि 100 प्लस लाभ का प्रतिशत, 100 इसमें करना क्या होगा, 100 प्लस लाभ का प्रतिशत इनटू जितने में वो 20% हानि से बेची गई थी वो रेट लिखा जाएगा, दाम लिखा जाएगा, बटे 100 माइनस जितना प्रतिशत बेचने पर हानि हो रही थी तो वह प्रतिशत लिखा जाएगा, तो वो चीज हो जाएगी आपकी। तो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। फिर से इसको देखिए व्यवहारिकता में, क्वेश्चन को क्या करना है, विक्रय मूल्य निकालना है इसका। तो करेंगे क्या, 100 इसके बाद फिर मैंने क्या बताया था कि जो लाभ होता है वो प्लस के साथ जुड़ता है, तो लाभ कितना है 25% है, देखिए यहां लाभ है तो लाभ 25% है, ये कर देंगे ब्रैकेट में इनटू जितने में बेची गई थी और हानि हुई थी वह वाला दाम लिखना होगा। तो उसको कह सकते हैं वस्तु कितने में बेची गई थी पहले, पहले कितने में बेची गई थी, तो यहां पर लिख सकते हैं सूत्र में कि बेची गई पहले कितने में बेची गई जिसमें हानि हुई थी, ठीक है, तो बेची गई थी 320 रुपए में, ठीक है, बटे में बेटा क्या कर देंगे आप 100 और फिर उसके बाद में बेचने में कितनी हानि हुई थी माइनस वो हानि आप लिख देंगे, बस इस प्रश्न को सॉल्व कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो ये जब जोड़ेंगे इसको बेटा तो 125 हो जाएगा और इनटू 320 होगा, बटे आप इसको करेंगे तो 80 हो जाएगा, जीरो काट दीजिए, 8 चौके 32, चार बार गया तो 125 इनटू 4 कर देंगे, तो इसको आप सरल करेंगे तो 500 आ जाएगा, आप देख लीजिएगा 100 400 हो जाएगा, 25 चौके 500, तो आंसर क्या आ गया 500 रुपये, यानी कि अगर वही वस्तु 500 रुपये में बेची जाए जो 25% का उसको प्रॉफिट हो जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन ये है आपका। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्या करते हैं जब वस्तु क्या हो कम दाम में बेची गई हो उसका हानि हो तो पूछे कि कितने प्रतिशत लाभ होगा, लाभ का प्रतिशत अगर पूछ रहा है तो लाभ के प्रतिशत में आपको जानने के लिए क्या करना होगा कि सीधे सीधे आपको 100 में से क्या लाभ का प्रतिशत जोड़ देना है, जो लाभ का प्रतिशत है जोड़ देना है इनटू जो है जितने में बेची गई थी और नुकसान हुआ था इनटू वह हो जाएगी राशि, बटे 100 माइनस जितना उसको नुकसान हुआ है वो हानि का प्रतिशत जो है वो आप चीजें कर देंगे तो आपको प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। सेम इसी तरह से कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन आगे है, उसमें अंतर क्या हो रहा है, किसी वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है, यानी कि 500 रुपए में बेचने पर उसको 25% का लाभ हो जाता है, यानी ज्यादा वाली राशि दी गई है, तो उसे कितने में बेचा जाए कि उसे 10% की हानि हो जाए, 10% की हानि के लिए पूछ रहा है, तो उसमें यानी कि विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो इसमें क्या कर देंगे बेटा हानि जो होता है तो यहां पर कुछ नहीं करेंगे, बस वही फार्मूले में थोड़ा सा परिवर्तन कर देंगे, हानि को जो क्या करेंगे 100 में से घटा देंगे, माइनस हानि का प्रतिशत घटा देंगे, तो 10% है हानि का प्रतिशत इनटू जितने में बेची गई थी वह राशि, हानि का प्रतिशत देखिए 10 है ना, और जितने में बेची गई थी वस्तु इनटू वही हो जाएगी, यानी 500 में कितने बेची गई थी वस्तु 500 में, और इसके बाद जब बेची गई थी वस्तु उसका के लाभ जो हुआ था वह 100 में जुड़ जाएगा, 100 में लाभ का प्रतिशत जुड़ जाएगा, यानी कि 25% लाभ हुआ था, बस यही सरल कर देंगे तो आपको आंसर आज मिल जाएगा इनटू 500, यहां पर देखिए यहां पर 10 घटाएंगे सॉरी 90 होगा, 90 इनटू 500 और 125 हो जाएगा बेटा, इसको कट कर लीजिए आप तो आप कर लेंगे 25 5 से काट दीजिए इसको या 25 से ही कर सकते हैं आप, तो थोड़ा छोटी राशि से करिए वरना आसान आपको कठिन लगेगा, तो 5 दूनी के 10 हो गया, 25 हो गया, यानी 25 यहां पर आ गया, इसको काटेंगे आप 5 से तो 5 कन यानी 100 हो जाएगा, यानी 25 से काट रहे 25 चौका 100 हो जाएगा, ठीक। अब यहां पर क्या 90 आपका था तो 90 इंटू 4 हो जाएगा, तो 9 चौके 36 यानी 360 आपका आंसर आ जाएगा, इतने रुपीज हो जाएंगे, ठीक है 360 रुपीज हो जाएंगे, ठीक है। तो उस वस्तु को अगर 360 रुपए में बेच दिया जाए बच्चों तो उसको क्या हो जाएगा कि इतने का प्रॉफिट हो जाएगा, कि इसको अगर हम 360 रुपए में बेचें जो 500 रुपए में बेचने पे 25% का लाभ हो रहा है, यानी 360 में बेच देंगे तो हमें कितने का जो 360 में बेचने पे 10% की हानि का सामना करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, एक बार इस प्रश्न को इसके जो सूत्र हैं वो बड़े ही सरल सूत्र हैं, बस एक बार आप दो बार एक्सरसाइज करके समझ लेंगे तो आपको बहुत सरलता होगी प्रश्न को समझने के लिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये भी क्लासेज काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी, ऐसे ही आप लोग अपना और अपनी मेहनत बनाए रखिए, निश्चित तौर से एक टाइम ऐसा होगा कि जब आप लोग मैथ में भी एक अच्छी स्थिति में पहुंच जाएंगे। ऐसे ही दोस्तों अपना साथ बनाए रखिए हमारे चैनल के साथ, बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों के साथ, आप लोगों के लिए कुछ हम लोग कर पा रहे हैं, हमारा चैनल कर पा रहा है, इसके लिए हम लोग पूरी तरह से प्रयासरत हैं और आगे भी करते रहेंगे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।